संशोधन बिल 2024 पर जेपीसी गठित हो गई है। इस जेपीसी में लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सांसदों को शामिल किया गया है। वक्फ बिल पर अगले संसद सत्र में रिपोर्ट सौंपेगी जेपीसी। अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में जेपीसी की तरफ से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अरुण भारती, इमरान मसूद ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जेपीसी के सदस्य हैं। नासिर हुसैन, निशिकांत दुबे जेपीसी में शामिल हुए हैं। अपराजिता सारंगी, तेजस्वी सूर्या जेपीसी का हिस्सा है। इसके साथ ही लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10 सांसद इसका हिस्सा है, क्योंकि पहले ही कल किरण रिजिजू ने जब अमेंडमेंट बिल को सामने रखा, विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ, तो किरण रिजिजू ने प्रस्तावित कर दिया कि इस मामले पर जेपीसी का गठन कर दिया जाए। ओम बिरला ने कहा कि हम इस पर जेपीसी गठित करते हैं और उसके उसमें सभी पार्टियों को शामिल किया जाएगा ताकि सभी का रिप्रेजेंटेशन इसमें रहे। अब जेपीसी का गठन कर दिया गया है जिसमें लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10 सांसद इसका हिस्सा है, और क्योंकि विपक्ष इसको लेकर लगातार हंगामा कर रहा था, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सवाल उठाए गए थे, वही असदुद्दीन ओवैसी अब जेपीसी का हिस्सा है। अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में जेपीसी वक्फ बिल को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसमें तमाम प्रावधानों को शामिल करेगी। वक्फ बिल में जो संशोधन किए गए उसमें कुछ अहम बदलाव हैं, फिर चाहे वो महिलाओं की एंट्री को लेकर हो, गैर मुस्लिम दो मेंबर्स का जिक्र हो, और इसके साथ ही जो अधिकार वक्फ बोर्ड के रहे किस तरीके से उसमें बदलाव किया गया है।